सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 50 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक आधे परसेंट से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 62 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट लेवल है वो 61 रुपीज 50 पैसे पर है। 61 रुपीज 50 पैसे पर स्टॉक के अंदर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहां पर स्टॉक के अंदर एक डबल बॉटम भी बन चुका है। ऊपर में जो एक रुकावट रेंज है वो 65 रुपीज पर है। 65 रुपीज पर स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है। काफी समय से स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। एक बार स्टॉक ने जब इस प्राइस को ब्रेकआउट दिया तो ऊपर में एक हाई बनाया था 67 रुपीज का। अभी उस प्राइस से देखें तो स्टॉक लगभग 5 रुपए नीचे ट्रेड कर रहेगा और स्टॉक का जो नीचे में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 61 रुपीज पर है। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 61 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेड करें। अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेक डाउन कर नीचे क्लोजिंग बनाता है तो उस सिचुएशन में स्टॉक के अंदर और बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है और ऊपर के टारगेट अराउंड 65 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।